अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल। अगर आप यूनिवर्सिटी एडमिशन डील करवा से अच्छा से हासिल करना चाहते हैं तो ऑप्शन है को सब्सक्राइब कर। आज की स्टूडियो में आपका जो है ITU यानी कि इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन्स के वाले से जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसके जो है एडमिशन ओपन हो चुके हैं 2023 के, ठीक है। यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं कौन कौन से डिग्रीज प्रोग्राम एडमिशन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एडमिशन ओपन है, ठीक है। 6 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एडमिशन टेस्ट 1 to 2 वीक आफ्टर द डेडलाइन, मतलब 6 जुलाई के बाद जो है ना जो वीक आएगा उसमें जो है ना आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एडमिशन टेस्ट मार्क 1 to 2 वीक आफ्टर द एडमिशन टेस्ट, ठीक है। एडमिशन मेरिट लिस्ट 2 to 3 वीक आफ्टर द एडमिशन टेस्ट, ठीक है। और ट्यूशन फी डेडलाइन 3 to 4 डेज आफ्टर द एडमिशन मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये जो है ना आप यहाँ से देख सकते हैं कि 6 जुलाई इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। किन किन डिग्रीज प्रोग्राम एडमिशन ओपन हुए हैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि BS कंप्यूटर साइंस एंड BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 50% ओपन मार्क्स होने चाहिए आपके। टेस्ट जो है ना रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैट्रिक 50%, इंटरमीडिएट 35% और टेस्ट जो है ना वो जो है ना 50% है, ठीक है। ऐसे जो है ना आप रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट भी जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जो है ना अकेडमी रिक्वायर्ड 50% और टेस्ट जो है ना वो 50% है, ठीक है। ECAT, USET, NTS जो भी दिया आपने वो इसके लिए वैलिड है, ठीक है। उसके बाद BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 40%, अकेडमिक एडमिशन टेस्ट जो है ना 40% और इंटरव्यू जो है ना 20%, ठीक है। मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद BS इकोनॉमी विद डेटा साइंस 50%, अकेडमिक डेटा रिकॉर्ड और टेस्ट जो है ना आपने दिया SAT 1, NTS, USET और 50% जो है ना उसका रिजल्ट है। MS PhD प्रोग्राम के लिए MS कंप्यूटर साइंस, MS डेटा साइंस, MS कंप्यूटर इंजीनियरिंग और MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद उसमें जो है ना 50% अकेडमिक और 50% जो है आपका टेस्ट है। MS डेवलपमेंट स्टडी, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, उसमें जो है ना 30% अकेडमिक रिकॉर्ड और एडमिशन टेस्ट 50% और 20% जो है इंटरव्यू। उसके बाद MS पब्लिक एंड सोसाइटी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव MBA के वाले से आप यहाँ से देख सकते हैं, PhD के वाले से आप यहाँ से देख सकते हैं। ITU जो है एडमिशन सेल नंबर, ये सारा जो है ना आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसीजन फॉर एडमिशंस, ठीक है, ये देख सकते हैं। एडमिशन टेस्ट 1 to 2 वीक आफ्टर द डेडलाइन, ठीक है। एडमिशन टेस्ट जो है ना वो 6 जुलाई के बाद जो है ना होगा। फीस स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ से आप देख सकते हैं ITU की कि क्या फीस स्ट्रक्चर है इसमें। अगर मैं BS इकोनॉमी डाटा साइंस विद डाटा साइंस का फीस स्ट्रक्चर चेक करना चाहता हूँ, यहाँ से ट्यूशन फी जो है ना यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल फर्स्ट सेमेस्टर की 1,36,000 है, अदर ड्यू 39 और 1,75,000 जो है ना वो सेमेस्टर वाइज फी है, ठीक है। ऐसे सेकंड सेमेस्टर की 1,70,000, 1,87,000 जो है ना सर। ऐसे जो है ना आप फॉर एग्जिस्टिंग बैच क्रेडिट आर के वाले से भी जो है ना यहाँ से आप जो है ना देख सकते हैं, ठीक है, कि जो नेक्स्ट जो है ना वो फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है। स्प्रिंग फॉल 2023 की ये फीस स्ट्रक्चर जो है ना आप यहाँ से देख सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट के वाले से जो है वो फी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन फी $50 और जो है ना अदर जो फी है वो 200 है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ना फर्दर अगर किसी और प्रोग्राम की फीस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है ना आप देख सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए जो ना अप्लाई करने लिए के लिए जो ना यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी जो फी है 1,75,000, ठीक है। तो यहाँ से आप जो ना 10% एनुअल इंक्रीमेंट हैज़ बीन इंप्लीमेंट ऑन ऑल ड्यूज, ठीक है। रिवाइज अप्रूव्ड फी स्ट्रक्चर विल बी इंप्लीमेंट फॉर 2023 सेशन। ऐसी जो ना दो क्रेडिट और इंटरनेशनल स्टूडेंट भी जो है यहाँ से फी स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने जो है ना इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मैं इनकी जो ना पहले सबसे पहले जो है ना इसमें ITU यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इनका फर्स्ट पेज ओपन करूंगा, ये इनका जो ना फर्स्ट पेज यहाँ पे जो ना ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एडमिशन और अप्लाई नो पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले मैंने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले जो ना मैं यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा, ठीक है। कोर्स किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, मैंने बैचलर में अप्लाई करना है। फर्स्ट नेम लिखना अपना, मिडल नेम, ठीक है, और लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर मेल या फीमेल तो यहाँ पे आपने लिख देना। उसके बाद CNIC या बेफाम नंबर जो है ना अपने एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद सेकंड मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस, अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस, मतलब यहाँ पे अपनी जो ना अपने एक ईमेल एड्रेस और दूसरी जो ना दूसरी जो ना यहाँ पे ईमेल एड्रेस है जो है ना यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। पासवर्ड शुड बी अल्फा न्यूमेरिकल एंड एटलीस्ट 8 करेक्टर, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड होना चाहिए, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए और 8 करेक्टर जो है ना उसके होने चाहिए, ठीक है। 8 से कम करेक्टर होंगे और अल्फा न्यूमेरिकल नहीं होगा तो पासवर्ड नहीं लगेगा। पासवर्ड कंफर्म करना है, ठीक है। हाउ डिड यू हेयर अबाउट, मैंने तो इनकी वेबसाइट से ही देखा था, ठीक है। तो मैं इनकी वेबसाइट पर ही क्लिक करूँगा,
वेबसाइट का नहीं लिखा तो मैं अदर पे क्लिक करूँगा, ठीक है यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिख दूंगा। उसके बाद यही जो ना कोड आपने सर्च एज यहाँ पे एंटर कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको जो ना आपकी मेल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका जो ना अकाउंट क्रिएट हो चुका है, वही ईमेल आईडी आपने यहाँ पे एंटर करनी है, जो पासवर्ड आपने वहाँ पे एंटर किया था वो यहाँ पे एंटर करना है, साइन अप पे क्लिक कर देना। फिर आपने इनके साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, उसके बाद जो ना आपने अपनी एकेडमिक डिटेल्स शेयर करनी है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के वाले से आपने शेयर करना है, फिर प्रोसेसिंग फ़ी जो है ना सबमिट करवानी है, ठीक है। तो फिर आपका जो ना फाइनल जो रजिस्ट्रेशन होगी वो एंड पे जो ना आपकी फाइनल रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना टेस्ट और फिर जो ना मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर जो ना आपका एडमिशन होगा। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो डॉक्यूमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द में इतना एक्सपीरियंस है तो 2 महीने